15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन इंदौर में एक मंडी सचिव द्वारा गार्ड की बंदूक से हर्ष फायरिंग मामले में अब मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन के दौरान मंडी सचिव मानसिंह मुनिया द्वारा गार्ड की बंदूक से हर्ष फायर किया गया था, जिसकी शिकायत वकील सरजू उपाध्याय द्वारा एरोड्रम पुलिस को की गई थी। मामला यह था कि 15 अगस्त के दिन लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में 15 अगस्त का कार्यक्रम का झंडा वंदन था। इस कार्यक्रम के दौरान मंडी सचिव है मानसिंह मुनिया, उन्होंने जो है जो वहाँ का गार्ड था उससे उसकी बंदूक लेके हर्ष फायर की, जो कि गलत है। ये धारा आम सेक्ट की धारा 25, 27 और 30 का मामला इस पर बनता है। तो मैंने मंडी सचिव मानसिंह मुनिया और यूडीसी नारायण सिंह चौहान और गार्ड इन तीनों के खिलाफ एरोड्रम थाने में शिकायत की थी। शिकायत में मैंने कहा था कि चूंकि इनने मुनिया के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है, चौहान के पास भी लाइसेंस नहीं, इनने अवैध रूप से फायर किया है, इनके खिलाफ धारा 25 और 27 और गार्ड ने जो है लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ धारा 30 का केस दर्ज किया गया। तो पुलिस ने भी धारा 25, 27, 30 में इन तीनों के खिलाफ मानसिंह मुनिया, नारायण सिंह चौहान और गार्ड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब मेरा कहना यह है कि इसके अंदर धारा 25(1)(a) ये बढ़ाई जाना चाहिए, 25 आम सेक्ट की जगह 25(1)(a) लगाई जाना चाहिए। साथ ही जानते बूझते जो है मानसिंह मुनिया ने गोली चलाई है, जिससे उनको मालूम है कि गोली चलने से किसी की जान भी जा सकती है, तो इसमें धारा 308 IPC भी लगाई जाना चाहिए। सर, अभी तक किसी की हिरासत, पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है क्या? नहीं, कल ही पुलिस ने जांच के बाद FIR दर्ज की है। अब जल्द ही, चूंकि सरकारी अफसर हैं तो जल्द ही परमिशन लेके इनकी गिरफ्तारी होगी। दरअसल 15 अगस्त कार्यक्रम के दौरान इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में सचिव मानसिंह मुनिया ने UDC नारायण सिंह की उपस्थिति में हर्ष फायर किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अफसर से जुड़ा मामला होने के चलते उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद एरोड्रम थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।